Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel Ishfaq Sir's Physics Concept Classes, where you can enjoy learning the concepts of physics in the simplest way. I am going to upload a new lecture for the class 12th in the playlist of the Magnetism and Matter. Here we go for the lecture. सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक रहेगा फिर से वही बार मैग्नेट होगा, मगर आज हम देखेंगे कि ये जो बार मैग्नेट है इसका क्या बिहेवियर रहेगा, ये किस तरह से एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को झेल पाएगा। तो आज हम वही देखेंगे कि हाउ विल बी द बिहेवियर ऑफ अ बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका भी वैसा ही बिहेवियर रहेगा जैसा आपने इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है कि हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को लेते थे और उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते थे और फिर देखते थे कि व्हाट विल हैपन टू दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल। और आपको याद होगा, अगर याद नहीं होगा तो अपनी नोटबुक फिर से देखिए और वहां पर आप देख पाएंगे कि दैट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड टेंड्स टू रोटेट द डाइपोल। वो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल को रोटेट करना चाहता था, वो उस पर टॉर्क अप्लाई कर रहा था। तो आज भी वही हमारा टॉपिक रहेगा। इसीलिए मैं रोज यही बोलता हूं आपको कि जिस बच्चे को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में सारी की सारी रिलेशन निकालनी आती है, सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो उसके लिए ये केक वर्क है। तो क्या है हमारा आज फिर से टॉपिक रहेगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बार मैग्नेट व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर क्या हम करेंगे कि हम एक एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड लेंगे और उसमें एक बार मैग्नेट को रखेंगे। चलो ठीक है, तो यहां पर मैं एक पहले एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड क्रिएट करूंगा। तो उसके लिए मैं यहां पर एक नॉर्थ पोल लेके आऊंगा, ठीक है, और यहां पर मैं दूसरा पोल लेके आऊंगा एक्सटर्नल, ठीक है, एंड सपोज दिस इज कॉल्ड एज साउथ पोल। Are you getting me? तो ये मैंने एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड लिया। तो अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर मैं तो क्या करता हूं मैं यहां पर मैं आपको पता होगा कि अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है तो ये जो लाइंस होंगी वो पैरेलल होंगी, जैसा आपने देखा है। तो आपको पता है कि आउटसाइड द बार मैग्नेट ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, दीज विल डायरेक्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो इधर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो ये डायरेक्शन होगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की। आर गेटिंग मी? सो यहां पर क्या होगा कि ये जो मैंने ये लाइंस बनाई, दीज आर नथिंग, दिस इज सिंपली एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सपोज दिस इज बी वेक्टर। आर गेटिंग मी? सो ये जो बी वेक्टर मैं यहां पर ले रहा हूं, तो दैट इज नथिंग, दैट बी वेक्टर इज नथिंग, इट इज एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो इसमें क्या करता हूं मैं, इसमें एक बार मैग्नेट को लेता हूं मैं। तो बार मैग्नेट को लेके आइए। तो अब मसला है कि बार मैग्नेट को रखेंगे कैसे इधर, तो आपकी मर्जी, आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी रख सकते हैं, एंटी पैरेलल भी रख सकते हैं, किसी भी एंगल पर रख सकते हैं, मगर मैं यहां पर जनरल में क्या बात करूंगा, मैं एक ये चीज करूंगा कि मैं इस बार मैग्नेट को एट एन एंगल थीटा लूंगा। क्यों मैं थीटा पे लूंगा इन जनरल, क्योंकि अगर आपको पैरेलल में देखना तो थीटा का वैल्यू जीरो दे दीजिएगा, अगर आपने परपेंडिकुलर में देखना है तो जीरो, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री दे दीजिएगा। तो इसलिए मैं क्या करता हूं कि एक बार मैग्नेट को लेता हूं मैं। तो यहां पर मैं एक एक चीज कहूंगा कि मैं एक बार मैग्नेट को लूंगा, बट आपको पता है कि यह जो बार मैग्नेट होता है ये एक मैग्नेटिक डाइपोल होता है कि नहीं, तो इसका मतलब कि इसका कुछ डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ये जो बार मैग्नेट है, चलो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, चलो वो मैं मान के चलता हूं, दैट इज एम वेक्टर। और आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन किधर की तरफ होती है, जिधर की तरफ डाइपोल लेंथ होगा, और डाइपोल लेंथ किधर की तरफ होता है, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ बाय कन्वेंशन, आपको यह सब पता है। तो यहां पर मैं एक और पॉइंट को एड करना चाहता हूं, यहां पर मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक चीज देता हूं कि डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल, हम डाइपोल को किधर की तरफ मानते हैं कि वो किधर की तरफ है, तो जिधर की तरफ उसका डाइपोल मोमेंट होता है ना, तो हम यह मान के चलते कि उधर ही की तरफ यह डाइपोल भी है। आर गेटिंग मी? तो अगर मैं आपको बता दूं कि बार मैग्नेट कैसे रखेंगे आप, तो इसकी डायरेक्शन, इस बार मैग्नेट की जो डायरेक्शन है वो कौन देगा, वो आपको उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देगा, ठीक है। चलो यहां पर मैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी कि बार मैग्नेट को लेता हूं, ये मैंने एक बार मैग्नेट ले लिया, ध्यान दे दीजिएगा इधर, तो ये जो इसका है, सपोज दिस इज इट साउथ पोल, कौन है ये इसका साउथ पोल है, एंड दिस इज इट नॉर्थ पोल,
आर गेटिंग मी? तो ये दो इसके पोल्स है, बट आपको पता है कि ये किधर की तरफ होगा, ये डायपोल, ये बाहर मैग्नेट किधर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन कौन देता है, इसकी डायरेक्शन इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट देता है, और मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट किधर की तरफ होता है, साउथ टू नॉर्थ, तो इसका मतलब है कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है। आर गेटिंग मी? तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा इसका एम वेक्टर, कौन होगा इसका एम वेक्टर, और आपको पता है यहां से यहां तक जो डायरेक्ट जो लेंथ है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल लेंथ, और आपको पता है कि उसको हम सिंपलिसिटी के लिए, सिंपलीफिकेशन के लिए हम उसको किस डिनोट करते हैं, टू ए वेक्टर से। आर यू गेटिंग मी? बहुत अच्छा, तो दिस पॉइंट जो यहां पर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट और सेंटर ऑफ द डायपोल, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो यहां पर मैंने बीच में वेक्टर बनाया, विच वेक्टर इट इज एक्चुअली एम वेक्टर, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर। जरा मुझे बताइए ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट वेक्टर किसके बराबर होगा, तो ये एम वेक्टर जो होता है इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट बिटवीन द पोल स्ट्रेंथ एंड द डायपोल लेंथ, आर यू गेटिंग मी, एंड इट विल बी एम इंटू टू ए वेक्टर। Are you getting me? तो इसका मैग्नीट्यूड अगर देखेंगे that will be m into 2a, सही बात। चलो आगे चलते हैं, तो बताइए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर की तरफ है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी लिया ना मैंने, तो वो इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ क्या है, डायपोल, क्योंकि मैंने बोला है कि डायपोल की डायरेक्शन कौन देता है, उसका डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, तो डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, यानी कि डायपोल बार मैग्नेट इस डायरेक्शन में है और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो ये जो होगा, ये जो होगा ये इनके बीच में एंगल होगा। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि वेक्टर के बीच में तभी एंगल डिफाइन होता है जब उनके टेल्स या हेड्स कोइंसाइड हो, तो माशाल्लाह यहां पर बाय कोइंसिडेंटली क्या हो रहा है, यहां पर ये जो है दिस इज द एम वेक्टर एंड दिस इज द बी वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द बी वेक्टर, सो व्हाट विल बी दिस थिंग विल बी द थीटा, सपोज ये जो थीटा है इट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट एंड बी वेक्टर, और वी कैन से दैट बार मैग्नेट हैज बीन प्लेस्ड एट एन एंगल theta with the direction of the external uniform magnetic field B vector। Are you getting me? क्योंकि magnet dipole की यानी कि बाहर magnet की direction कौन देता है? Dipole moment देता है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज को लेता हूँ, theta। बताइए theta क्या है? It is nothing। It is the angle between किस किस के दरमियान बाहर magnet या magnetic dipole moment और किसके बीच में external magnetic field के बीच में। ये है angle इनके बीच में। ठीक है? बहुत अच्छा। तो यहाँ पर ये होगा। अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा कि आपको पता है, जैसा वहां पर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पता है, जब चार्ज आता है ना तो वो एक फील्ड क्रिएट करता है। चलो एक चार्ज आया था या एक चार्ज कॉन्फ़िगरेशन आई थी, तो उसने यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया था, ई ई वेक्टर। Are you getting me? तो यहां पर इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर है, बट आपको पता है कि ये कोई ना कोई चार्ज कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर चुका है, तो अगर इस फील्ड में अब किसी और चार्ज को रखूंगा तो व्हाट विल हैपन टू इट, तो आपको पता है कि उस चार्ज पे अब फील्ड पड़ेगा, सॉरी उस चार्ज पे अब फोर्स पड़ेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो वो कौन डालेगा उस पर वो फोर्स, वो चार्ज कॉन्फ़िगरेशन नहीं डालेगा डायरेक्टली, एक्चुअली यही फील्ड उस पर फोर्स डालेगा, तो एज पर कूलंब्स लॉ वो जो फोर्स निकलता है वो किसके बराबर निकलता है, क्यू ई मैग्नीट्यूड, मतलब वो चार्ज देखिए कि कितना रखा है आपने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, दैट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय दैट चार्ज्ड बॉडी। आर यू गेटिंग मी? तो सेम हैपेंस हियर, आपने क्या यहां पर क्रिएट करके रखा, मैग्नेटिक फील्ड, और आप मैग्नेटिक फील्ड में पोल को रख रहे हैं। आर यू गेटिंग मी? साउथ पोल को रख रहे हैं, नॉर्थ पोल को रख रहे हैं, तो इनमें क्या पड़ेगा, इन पे तो फोर्स पड़ेगा, तो कौन सा फोर्स पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स, अगर हम उसके पैरेलल चले इलेक्ट्रोस्टैटिक से पैरेलल, तो यहां पर साउथ पोल पे फोर्स पड़ेगा, तो कौन डालेगा उस पे, नॉर्थ पोल नहीं डालेगा, नहीं डालेगा उस पे कौन डालेगा, उस पे फील्ड डालेगा, क्योंकि ये जो साउथ पोल है, ये जो इस बार मैग्नेट का साउथ पोल है, वो कहां पे है, वो तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उस पे वो फील्ड फोर्स डालेगा, तो इस पे किधर की तरफ पड़ेगा, अगर ये नॉर्थ है तो ये साउथ है, तो इसको अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, इस पे फोर्स पड़ेगा। चलो मैं उसको लिखता हूं एफ एस वेक्टर, आर्गेडमी पीछे की ओर, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, तो साउथ पोल पे किधर की तरफ फोर्स पड़ेगा, मैग्नेटिक फोर्स पीछे की ओर, सो तो यहां पर मैं जल्दी जल्दी लिखूंगा, देयरफॉर एफ एस, यानी कि फोर्स ऑन द साउथ पोल कितना पड़ेगा, तो क्यों ई, तो क्यों नहीं आएगा इधर, इधर एम आएगा यानी कि पोल स्ट्रेंग, ई नहीं आएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो बी आ जाएगा। अब किधर की तरफ ये होगा मैग्नीट्यूड इस फोर्स का, मगर किधर की तरफ, पीछे
की ओर, अरे फोर्स है, वेक्टर है, तो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा। तो किधर की तरफ फोर्स पड़ेगा? पीछे की ओर। तो क्या बोलेंगे? टुवर्ड द नेगेटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे? नहीं ना, तो हम यहां पर जल्दी बता देंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ तो पीछे की ओर है, तो यानी कि यहां पर लिखेंगे अपोजिट अपोजिट टू बी वेक्टर। तो जिधर की तरफ बी वेक्टर है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये फोर्स लगेगा। तो कितना मैग्नेट्यूड है इसका? एम बी। अब देखते हैं ऐसे ही कि यहां पर अब एक और पोल है, नॉर्थ पोल, उसकी भी पोल स्ट्रेंथ एम है, आर्गेडमी, तो वो भी एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में है, तो उस पर भी मैग्नेटिक फोर्स पड़ेगा। तो दियर आल्सो ऐसे ही एफ एन यानी कि फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट कितना पड़ेगा? तो वो होगा क्यू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो यहां पर क्या होगा? Q के बदले M, तो इसका पोल स्ट्रेंथ कितनी है? M। तो एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड कितना है? B। तो इस पे भी MB फोर्स पड़ेगा। नाउ द क्वेश्चन इज किधर की तरफ? ये नॉर्थ पोल है और ये नॉर्थ पोल है, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो आर यू गेटिंग मी, या ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा इधर की तरफ, तो इस पे जो फोर्स पड़ेगा तो वो क्या होगा? एफ एन वेक्टर, आर यू गेटिंग मी, तो वो आगे की तरफ पड़ेगा। आगे की तरफ मत बोलिएगा, तो यहां पर क्या बोलिएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कितना पड़ेगा? एम बी। तो अलोंग वो था अपोजिट टू बी वेक्टर, तो ये है अलोंग बी वेक्टर। अब देखिए ये डाइपोल, ये बार मैग्नेट, मत मान लीजिए ये बार मैग्नेट है, आप ये मान लीजिए कि ये दो पोल्स है, तो आपने दोनों पोल्स पे देखा कि इस पे फोर्स पड़ रहा है, जब हम इसको कहां पर रखेंगे? एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड में। जरा देखिए फोर्स कितना पड़ रहा है इस बार मैग्नेट पे, अब बार मैग्नेट पे, पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब डाइपोल की बात कर रहा हूं, बार मैग्नेट की बात कर रहा हूं। तो यह पड़ रहा पीछे की ओर, इसका मैग्नेट्यूड है एम बी, और यह पड़ रहा आगे की ओर, इसका मैग्नेट्यूड भी एम बी। तो इसका मतलब यह है कि बार मैग्नेट पे जो नेट फोर्स पड़ रहा है वो जीरो है, बिकॉज दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नेट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इस पर नेट फोर्स कितना पड़ रहा है? जीरो। तो इसका मतलब यह है कि व्हेन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो एज पर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, तो वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि जब फोर्स ही नहीं पड़ेगा, तो आपको पता है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता है? एफ इज इक्वल टू एफ नेट इज इक्वल टू एम ए, व्हेन एफ नेट इज इक्वल टू जीरो, तो इट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। तो इसका मतलब कि ये ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा, अगर आपने इसको ऐसे रखा है तो ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये आगे नहीं चलेगा, ये पीछे नहीं चलेगा, ये ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, आर यू गेटिंग मी, तो ये ट्रांसलेट नहीं हो जाएगा, इसकी ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन नहीं आ जाएगी, यानी कि लीनियर एक्सेलरेट नहीं हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अब क्या होगा फिर? तो नेट फोर्स नहीं पड़ रहा है, तो दियर फोर एफ नेट किस पे? एफ नेट ऑन द बार मैग्नेट इज जीरो, तो इस पे नेट फोर्स कितना पड़ रहा है? जीरो। बट आपको पता है एफ नेट ही नहीं, यहां पर हम देखेंगे कि कहीं टॉर्क तो नहीं पड़ रहा है, ये तो फोर्स था, नेट फोर्स जीरो पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है कि नेट टॉर्क भी जीरो होगा, आर यू गेटिंग मी। तो आप यहां पर देखिएगा, क्या ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है? क्या ये अपोजिट इन डायरेक्शन है? आर यू गेटिंग मी? क्या इनकी लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड हो रही है कि सेपरेट हो रही है किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस से? तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन इस वाले फोर्स की ये है, आर यू गेटिंग मी? लाइन ऑफ एक्शन मतलब वो लाइन जिस लाइन के अलांग ये फोर्स लग रहा है, तो इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है, आर यू गेटिंग मी? तो क्या ये लाइन ऑफ एक्शन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड हो रही है? नहीं ना, तो ये बिल्कुल भी कोइंसाइड नहीं हो रही है। तो आपको ये पता है दीज लाइन ऑफ एक्शन आर सेपरेटेड बाय सम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दीज आर नॉट कोइंसाइडिंग, आर यू गेटिंग मी? तो आप मुझे एक बार बताओ, व्हाट इज दिस पेयर ऑफ फोर्स गोइंग टू फॉर्म? इज इट गोइंग टू फॉर्म अ कपल? Are you getting me? तो कपल तो 11th में आपने पढ़ा है कि a pair of force is called a couple only when their magnitudes are same but directions are opposite but line of actions are separated by some perpendicular distance. तो इनकी line of action अगर separate की गई है किसी perpendicular distance से, तो ये क्या बनाएगा? Couple बनाएगा। तो अब मुझे यहां पर बताइए, क्या ये जो pair यहां पे लग रहा है, no doubt उसका net force zero है, but मुझे एक बार बता, क्या वो couple को बनाता है यहां पर? हाँ बिल्कुल। तो this pair of force is going to form a couple, तो ये यहां पर एक couple को बनाएगा, और couple का काम क्या होता है आपको पता होगा, तो 11th में आपने पढ़ा है, couple का काम एक ही होता है, वो ये है
की बॉडी को रोटेट करना। तो कपल इज यूज टू रोटेट अ बॉडी। यू यूज द कपल टू ओपन द लिड ऑफ द बोटल। तो बोटल की जो लिड है उसको आप ओपन कर रहे हैं ना, तो आप एक कपल उस पर लगा रहे, आप उसको रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है दिस पेयर ऑफ फोर्स, यहां ये जो एफ नेट यहां पर है ये क्या बनाएगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म अ कपल। और कपल रोटेट करता है और रोटेशनल इफेक्ट को टॉक बोलते हैं। तो आपको पता है कि इस कपल का फिर कुछ मोमेंट होगा, यानी कि टॉक होगा, रोटेशनल इफेक्ट होगा। तो देयरफॉर मोमेंट ऑफ कपल, ये जो कपल यहां पे बढ़ रहा है उसका मोमेंट यानी कि रोटेशनल इफेक्ट टाउ टॉक, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आपने पढ़ा है कि मोमेंट ऑफ कपल किसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। याद रखिएगा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्स into perpendicular distance between them and that is called arm of couple, उसको हम क्या बोलते हैं, arm of couple। Are you getting me? तो यहां पर देखिएगा, how much is the magnitude of one of the force, ये वाला force ले लीजिए या ये वाला force, दोनों का magnitude same है mb, तो एक का ले लीजिए तो mb। Are you getting me? तो ये मैं उस couple moment of couple यानी कि torque का magnitude निकाल रहा हूं, direction नहीं निकाल रहा हूं, वो तो बाद में देखेंगे। तो अब आम ऑफ कपल क्या होता है, इन लाइन ऑफ एक्शन के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, वो तो ये है जो मैं यहां पर सॉलिड लाइन बना रहा हूं, यही है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनके बीच में। तो ये तो पता ही नहीं है सर ये कितना है, बट सिंपल है, बताइए यहां से यहां तक ये वाला ये कितना है। तो आप बोलेंगे कि सर ये तो 2a वेक्टर है, आर गेटिंग मी, तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा, तो थीटा कंपोनेंट इज कॉल्ड कॉस कंपोनेंट। अगर ये 2a है तो ये कितना होगा, 2a cos ऑफ थीटा, और ये क्या होगा, 2a sin ऑफ थीटा। तो इसका मतलब कि ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इट विल बी 2a sin ऑफ थीटा। समझ में आया कि नहीं, मैंने वेक्टर रेजोल्यूशन का सहारा लिया यहां पर, यानी कि अगर ये 2a वेक्टर है तो इसकी इस पे परछाई जो पड़ेगी वो होगी 2a cos ऑफ थीटा, ये होगी ये होगी 2a sin ऑफ थीटा। अरे गेट मी, सो यहां पर ये जो आर्म ऑफ कपल निकला वो क्या निकला, 2a sin ऑफ थीटा। तो 2a sin ऑफ थीटा, यहां पर आप मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप यहां पर मल्टीप्लिकेशन की एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, कॉमिटेटिव, आप किसी को भी उधर उधर ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। एम इंटू टू ए, कुछ समझ में आया, एम इज द पोल स्ट्रेंथ एंड टू ए इज द डाइपोल लेंथ, व्हाट विल बी इट, डाइपोल लेंथ इंटू पोल स्ट्रेंथ इज कॉल्ड द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। तो इसका मतलब है कि इस स्मॉल एम और इस 2a के बदले में कैपिटल एम लिखता हूं, मगर मैग्नीट्यूड होगा तो इसलिए मैं कैपिटल एम लिखूंगा, कैपिटल एम वेक्टर नहीं लिखूंगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड दे रहा है। तो और होगा भी, आर गेटिंग मी, और क्या बचा, साइन ऑफ थीटा, आर गेटिंग मी। अब खुदारा मुझे यहां पर बताइए, एम बी साइन ऑफ थीटा, इट इज द टॉर्क एक्टिंग ऑन दिस बार मैग्नेट। अगर आप इस बार मैग्नेट को किस एंगल पे रखेंगे, थीटा एंगल पे रखेंगे, तो इस पे इतना टॉर्क पड़ेगा, ये देखेंगे कि टॉर्क किधर की तरफ पड़ेगा, और टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इतना होगा मैग्नेट्यूड उस टॉर्क का जो इस पे पड़ेगा एट दिस एंगल। बट यहां पर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा। आप बोलेंगे कि सर क्यों वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं आप, क्योंकि टॉर्क इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सो डायरेक्शन का खास ख्याल रखना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि देयरफॉर इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिख सकेंगे हम, अब आपको पता है कि उसके लिए यहां पर टाउ वेक्टर लिखना पड़ेगा, तो वो किसके बराबर होगा, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा कि बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि m dipole moment it is a vector quantity, b it is a vector quantity and theta is the angle between them, so ye kuch is prakar ka hai, a b sin of theta, to wo ho gaya na a vector cross b vector ka magnitude। ye mat bolna ki a vector cross b vector hota hai a b sin of theta, agar koi ye bolega na ki a vector cross b vector is equal to a b sin of theta, to usko fir se physics nahi se padhni chahiye, kyunki ye cross product aapko a b sin of theta nahi dega, actually n cap bhi hota hai, to kyunki cross product hamesha ek vector deta hai, to agar aap a b sin of theta ko dekhenge wo ek vector nahi hoga magnitude hoga, to iska matlab ki a vector cross b vector ka jo magnitude hoga, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ए बी साइन ऑफ थीटा, तो ए बी साइन ऑफ थीटा ये होगा ना मैग्नीट्यूड ऑफ, अगर मैं इसको लिखूं
अरे मैं इधर नहीं लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर। अब मसला ये है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है और क्रॉस प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इज एंटी कॉमिटेटिव, यानी कि अगर आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो नहीं होगा बराबर बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के, अलबत्ता वो किसके बराबर होगा नेगेटिव टाइम्स बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी कि वो एंटी कॉमिटेटिव है। तो इसका मतलब है कि अब यहां पर एक चीज देखना पड़ेगा वो ये है कि यहां पर हम एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लेके कि बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो यहां पर मैं दोनों चीजें लिखूंगा। तो ये तो हमें पता है कि इट मे बी एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर। Are you getting me? क्योंकि जब ए वेक्टर एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर तो टॉप वेक्टर होगा, या बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर वो टॉप है। अभी इनमें से देखेंगे कौन सा सही है, क्योंकि अगर इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे लेंगे ना मैग्नीट्यूड ऑफ एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर वो होगा एम बी साइन ऑफ थीटा, अगर इसका भी मैग्नीट्यूड लेंगे वो भी होगा एम बी साइन ऑफ थीटा। तो मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर डायरेक्शन से फर्क पड़ती है, तो वेक्टर प्रोडक्ट में फर्क पड़ती है। अब मसला है कि ये एम क्रॉस बी है कि बी क्रॉस एम है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए चित्र देखेंगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, डाइपोल ऐसे है कि नहीं, तो ऊपर किधर की तरफ फोर्स पड़ रहा, आगे की तरफ और पीछे और नीचे पीछे की ओर। अब मुझे एक बात बताओ, ये आगे खिसक रहा है ये पीछे खिसक रहा है, तो व्हाट विल हैपन टू इट, ये रोटेट ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कि उल्टा हो जाएगा। तो सीधी सी बात है सर, ये ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली एज फॉर एज द फिगर इज कंसर्न्ड, और जो फोर्स हम देख रहे हैं और जो टॉर्क हम देख रहे हैं कि इस पे पड़ रहा है, तो वो कैसे रोटेट करेगा इसको क्लॉकवाइज। अब यहां पर देखिए कि M क्रॉस B क्लॉकवाइज होगा कि B क्रॉस M क्लॉकवाइज होगा, जो इनमें से क्लॉकवाइज होगा उसको टिक मार दीजिए, को उसको आप अप्रूव कर दीजिएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा, तो क्लॉकवाइज आपको पता कि ये घूम रहा है, तो इसमें से देखेंगे कि ये कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा इसको। तो पहले हम लेंगे B क्रॉस M, तो आपको पता है कि B इधर की तरफ है, अरे पैरेलल ट्रांसलेशन का सहारा ले रहा हूं कि एक वेक्टर को पैरेलल ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो और है एम वेक्टर, तो एम वेक्टर इधर की तरफ है, तो ये एम वेक्टर है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट भी तब तक नहीं करते जब तक उनके टेल टेल के साथ ना मिले या हेड हेड के साथ ना मिले, यही चीज भी याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें ही यही बेसिक्स क्लियर नहीं होते, तो दैट इज व्हाई उनको प्रॉब्लम आती है फिजिक्स में। तो देखिएगा, अगर मैं बी क्रॉस एम करूं तो राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा, तो B क्रॉस M थ्रू स्मॉलर एंगल रोटेट करना पड़ेगा अपने राइट हैंड को, तो राइट हैंड को कर्ल करिएगा फ्रॉम B टू M इफ B क्रॉस M, तो मैं B क्रॉस M लिया पहले, तो B क्रॉस M लिया, तो बताइए टॉर्क आपकी ओर लग रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज बट घूम कैसे रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये नहीं चलेगा B क्रॉस M नहीं चलेगा। अब यहां पर देखेंगे क्या M क्रॉस B चलेगा, तो यहां पर M इधर है B इधर है, तो ऐसे नहीं होगा, तो फिर ऐसे होगा, तो व्हाट इज दिस, आपने अपने राइट हैंड को कर्ल करना पड़ेगा फ्रॉम M वेक्टर टू B वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल, तो ऐसे, तो टॉर्क अंदर की तरफ लग रहा है, तो बताइए ये जो बार मैग्नेट कैसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो मुझे लगता है कि ये तो सही है, कौन सा एम वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, तो इसका मतलब कि बी वैक्टर क्रॉस एम वैक्टर नहीं होगा, सो इन वैक्टर फॉर्म टाउ वैक्टर विल बी इक्वेलेंट टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, ये है रिलेशन। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर मैं अब इस चीज को क्लियर करना चाहता हूं, इतना टॉर्क पड़ रहा है कितना एम बी साइन ऑफ थीटा, एम तो है डाइपोल है तो डाइपोल मोमेंट होगा, बी तो है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वो तो निर्भर करता है, आप इसको पैरेलल में रखेंगे, आप इसको परपेंडिकुलर में रखेंगे, या आप इसको एंटी पैरेलल में रखेंगे, यह आप पर निर्भर करता है कि आप किस दिशा में इसको रखेंगे, तो उसका वैल्यू यहां पर दे दीजिएगा, तो उतना उस पर टॉर्क पड़ेगा। अब किधर की तरफ पड़ेगा वो तो हमने देखा, किधर की तरफ पड़ेगा, इस पर टॉर्क क्लॉकवाइज पड़ रहा है, आपको पता है क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड किधर की तरफ है, आगे की तरफ, और टॉर्क ये बार मैग्नेट ऐसे था, तो इस पे टॉर्क कैसे पड़ा ऐसे, तो ये ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड इसको बोल रहा है, इस बार मैग्नेट को ऐसे क्यों देख रहा है, उधर की तरफ देख जिधर की तरफ मैं हूं, तो इस पे ऐसे टॉर्क पड़ रहा है। तो हम ये कहेंगे, हम कंक्लूजन कुछ इस तरीके से करेंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इसकी ये अदा पसंद नहीं है, इस बार मैग्नेट की ये अदा पसंद नहीं है कि ये कोई और दिशा ले, उसको पता है कि अगर मैं उधर की तरफ हूं तो इसको
भी उधर की तरफ ही रहना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों होता है, वो आगे पता चलेगा पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि इधर की तरफ ये स्टेबिलिटी में जाएगा। तो स्टेबिलिटी कब आती है, जब आपके पास बहुत कम एनर्जी हो। तो दैट इज एक और टॉपिक पेंडिंग रह रहा है यहां पर, दैट इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सही बात। तो यहां पर देखिएगा, तो इस पर टॉर्क किधर की तरफ पड़ रहा है, तो क्लॉकवाइज पड़ रहा है। तो इसका मतलब यह है कि यह एक्सटर्नल टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर अप्लाई किया, वो बोल रहा है इस बार मैग्नेट को जिधर की तरफ मैं हूं उधर की तरफ आप भी मुड़ ले, क्योंकि मुझे आपकी यह अदा पसंद नहीं है। तो इसका मतलब कि दिस टॉर्क टेंड्स टू रोटेट द बार मैग्नेट In order to align it in the direction of the magnetic field, जिधर की तरफ magnetic field है, ये इसको बोलेगा कि उधर ही की तरफ आप भी रह ले, नहीं रहेगा तो मैं आपको घुमा दूंगा। तो कितना घुमाएगा, वो इतना होगा mb sin of theta। तो यहां पर कुछ special cases लेंगे। आप बोलेंगे कि सर वो special cases क्या होंगे, वो तो मैंने पहले ही बोला था आपको कि वो आप पे निर्भर करता है कि आप इस बार magnet को कैसे रखेंगे। तो पहला केस अगर मैं क्या करूं, if theta is equivalent to 0 degree, मतलब जिधर की तरफ मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उधर ही की तरफ आपने एक बार मैग्नेट को भी रखा। आर यू गेटिंग मी, बार मैग्नेट ऐसे नहीं है, ऐसे है, जरा देखेंगे उस टाइम क्या होगा। तो टाउ उस टाइम, देयर फोर टाउ कितना पड़ेगा, उस पर टॉर्क कितना पड़ेगा, एम बी साइन ऑफ जीरो, एम बी साइन ऑफ थीटा, थीटा जीरो है, साइन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो, तो इट विल बी जीरो। तो इसका मतलब यह है कि उस पर टॉर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो इसका मतलब कि वो उसको घुमाना नहीं चाहता। क्यों घुमाना नहीं चाहता, उसको उसकी अदा पसंद है, क्योंकि वो जिधर की तरफ है उधर ही की तरफ बार मैग्नेट भी है। तो दैट इज व्हाई उसको यही पसंद है कि आप उसी डायरेक्शन में रहे जिस डायरेक्शन मैं हूं। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि इसको कोई और पसंद अदा पसंद नहीं है इस एक्सटर्नल मैग्नेट फील्ड को, ये इस बार मैग्नेट को बोलेगा कि इधर जिधर की तरफ मैं हूं उधर की तरफ आप भी रह ले। तो दूसरा स्पेशल केस अगर लेंगे कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, कितना 90, मतलब कि अब बार मैग्नेट ऐसे नहीं है, अब आपने उसको सीधे खड़ा रखा। आर एकेडमी, तो टॉर्क पड़ेगा उस पर कि नहीं पड़ेगा, तो कितना पड़ेगा, तो एम बी साइन ऑफ 90, एम बी साइन ऑफ 90। मुझे पता है कि आप अभी जवाब देंगे कि सर साइन 91 हो गया, मगर मैं ये भी बोलूंगा कि साइन 90 मैक्सिमम हो गया, क्योंकि साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो वो 90 पे मिला, तो इसका मतलब कि ये मैक्सिमम, ये तो ऑलरेडी अनचेंज्ड है, जितना एम है उतना जो एम और बी है उसके साथ आप नहीं खेल पाएंगे, मतलब कि यह पहले से ही कॉन्स्टेंट है, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर ये आपका मैक्सिमम हो गया तो इस पे मैक्सिमम पड़ेगा, तो साइन 90 इज 1 एंड इट इज मैक्सिमम, तो इस पे कितना टॉर्क पड़ेगा, एम बी, एंड दैट विल बी मैक्सिमम टॉर्क। समझ में आया। तो इसका मतलब कि जब आप इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखेंगे तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो उसको इसकी ये वाली असर बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वो बोलेगा इसको क्योंकि अब मैं आप पे सबसे ज्यादा टॉर्क अप्लाई करूंगा, सबसे ज्यादा घुमाना चाहता हूं मैं इस पोजिशन पे आपको। तो इसका मतलब कि दिस विल बी एन अनस्टेबल पोजिशन फॉर अ बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट के लिए बहुत ही अनस्टेबल ये दिशा होगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं, एक और केस लेते हैं 180। तो अगर आप 180 लेंगे तो साइन 180 जीरो हो गया, तो मतलब कि अगर आप इसको उल्टा भी रखेंगे, एंटी पैरेलल भी रखेंगे, उस टाइम भी टॉर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब कि वो वाली अदा भी पसंद है, बट दैट विल बी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वो भी इक्विलिब्रियम होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के और दो काइंड्स है, वन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनदर इज कॉल्ड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो उसमें भी वो रहेगा, अगर एंटी पैरेलल होगा तो उसमें भी रहेगा, टॉर्क जीरो होगा, बट वो वाला जो इक्विलिब्रियम होगा वो अनस्टेबल होगा। तो क्यों होगा, तो उसके लिए अगले लेक्चर का इंतजार करिएगा। तो मुझे लगता है कि ये चीजें तो आपको समझ में आई होगी कि एक बार मैग्नेट को अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर टॉर्क पड़ता है, उसमें कपल जनरेट होता है, और कपल का काम होता है टॉर्क प्रोड्यूस करना, यानी कि रोटेट करना, तो वो इसको रोटेट करेगा, कब रोटेट करेगा वो भी हमने देखा, और कब ज्यादा इच्छा है इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की इसको रोटेट करने की वो भी हमने देखा, और कब नहीं करेगा वो भी हमने देखा। और एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर वी कैन से ओनली दिस थिंग, जो मैं बार बार बोल रहा हूं कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को इस बार मैग्नेट की कोई और दिशा पसंद नहीं है, अगर ये उस दिशा में ना हो जिस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट ना करता हो। तो जिधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट करेगा तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी करेगा इस बार मैग्नेट पे, किसी भी तरीके से टॉर्क डालेगा इस पे ताकि इसको उधर ही की तरफ अलाइन करे। ठीक है, तो मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी। तो दीजिए इश्फाक सर को इजाजत, थैंक यू, शुक्रिया।